Hello, today we are learning about a new vocabulary word that is pronounced it as abjure. Now, these kind of words we do not normally use in a common language or for a speaking purpose, but these kind of words usually come in test papers. So let's learn this word through a trick. अब ये जो वर्ड है अबजोर, ठीक है, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए तो इसको ब्रेक करेंगे ए अब एंड जोरी में, ए बी अब एंड जोरी। तो इसकी सिंपली एक ट्रिक है कि अब जूरी के सामने कसम खाता हूँ कि ऐसा फिर नहीं करूँगा, ठीक है। सो हेयर इज़ द ट्रिक यू कैन यूज़ टू मेमोराइज दिस वर्ड, अब जूरी के सामने, ठीक है, कसम खाता हूँ कि ऐसा फिर नहीं करूँगा। मीन्स यू आर गोइंग टू डिनाई फॉर समथिंग और यू आर गोइंग टू एस्केप फ्रॉम समथिंग और यू आर गिविंग अप समथिंग। तो ये जो ट्रिक है ये आप इस्तेमाल करें इसको याद करने के लिए। या दूसरी एक ट्रिक है अब मीन्स नो, ठीक है, वैसे भी इंग्लिश में जो ए बी वर्ड होता है उसकी मीनिंग आती है नो, और जो जूअर है अब जूअर, ठीक है, उसको जूर को आप जोड़ बना लें, ठीक है। तो अब मीन्स नो एंड जोर मीन्स जोड़, तो नो जोड़, इसका कोई जोड़ नहीं है। अब जिसका कोई जोड़ नहीं होता, ठीक है, एक ब्लैक हो और एक वाइट हो, उनका कोई जोड़ ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर इसका इसके साथ कोई जोड़ नहीं है तो ये क्या करेगा, ये गिव अप कर लेगा, सही है। तो जिससे हमारा कोई जोड़ नहीं बनता हम उसको गिव अप कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली अब जोर मीन टू से व्हेन यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ जोर, सही है। तो इसकी असल में अबजोर की ये सारी ट्रिक हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। मीनिंग जो अबजोर की ये है कि रिजेक्ट, गिव अप या रिनाउंस और डिनाई और ड्रॉप। अब अगर सिनोनिमसेस आ रहे हैं और उसमें अबजोर वर्ड लिखा हुआ है और उसमें तीन वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, डिस्कस, रिनाउंस एंड एक्सेप्ट। तो आपने अबजोर की मैंने आपको पता है उसकी मीनिंग है रिजेक्ट करना, गिव अप करना, रिनाउंस करना, तो आप सिंपली रिनाउंस को टिक कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।